दिस इज द नोट्स है ना, दिस नोट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय जॉइन फॉर एडुकेशन। लेट्स सी द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। दिख रहा है स्क्रीन? तो लेट्स स्टार्ट। सर या यस स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ये बायो मॉलिक्यूल्स है आपका, दिस इज द नाइन्थ चैप्टर ऑफ क्लास 11। क्लास 11 का नाइन्थ चैप्टर है और नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यस। ये स्टडी मटेरियल ग्रुप में शेयर नहीं किया गया था। ओके, दिस स्टडी मटेरियल हैज नॉट बीन पोस्टेड इन टू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ जॉइन फॉर एडुकेशन। एक बार इसको आप पहले पॉइंट को थोड़ा सा रीड कीजिए, क्या कहता है देखिए। रीड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस नोट। यस सर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी अमंग देमसेल्फ बट देयर केमिकल कंपोजिशन एंड द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग इन देम आर रिमार्केबली सिमिलर। ठीक है, होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस वन। इसको पढ़ने के बाद आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रीड द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एलिमेंट। लेट्स सी थर्ड पॉइंट। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी called as biomolecules. Yeah, at the third point we get the definition of the biomolecules. Okay, read once again. Ek baar phir se isko padhiye to. Sir, all the carbon compounds that we get from living tissue. थोड़ा सा रुक जाइए। All the carbon compounds. ठीक है, सारा कार्बनिक यौगिक that we get है ना, कहाँ से हमको मिलता है? लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू से। ठीक है, कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलेक्यूल्स। बायोमोलेक्यूल्स। तो जो लिविंग टिश्यू जो होता है, ठीक है, उससे हमको जो कार्बन कंपाउंड मिलता है, ठीक है, लिविंग टिश्यू से जो हमको कार्बन कंपाउंड मिलता है, उस कार्बन कंपाउंड को ही हम लोग बायोमोलेक्यूल्स या जैव अणु, अगर हिंदी में बोला जाए तो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर CBSE या जैक या इस बोर्ड पर कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर है कि हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए, क्योंकि वी आर गोइंग टू राइट द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम, दैट इज द नीट। एक बहुत प्रेस्टिजियस और बड़ा एग्जाम है, उसको हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा और यहाँ पर बोर्ड भी बैरियर नहीं होगा। यहाँ बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है कि हम कौन सा बोर्ड से हैं, CBSE से हैं कि जैक से हैं कि किसी दूसरे अदर स्टेट बोर्ड से हैं। यहाँ पर यह जानकारी रखता है कि हम उस टॉपिक के बारे में कितना जानकारी मेरे पास है। तो यहाँ पर बोलता है कि बायोमोलिक्यूल्स, इट मीन्स दैट अ लिविंग टिश्यू, और लिविंग टिश्यू में जो लिविंग टिश्यू में बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। उस लिविंग टिश्यू में जो कार्बन कंपाउंड होता है उससे हमको लेना देना है, ठीक है, उस कार्बन कंपाउंड से लेना देना है। और उस कार्बन कंपाउंड के लिए जो स्टडी होता है वही बायोमोलिक्यूल्स होता है। ठीक है, हमको लगता है हाफ दैट देर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, नॉट ए सिंगल वर्डी आस्क अस व्हाट डू यू मीन बाय बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ नीट का एग्जाम लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप बायोमोलिक्यूल्स से क्या समझते हैं।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया हो कि होगा कि बायो मॉलिक्यूल्स है क्या, ठीक है? यस कि कोई दिक्कत? यस यस। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये पॉइंट, थोड़ा सा रीड कर लीजिए नेक्स्ट पॉइंट इसका। यस सर, लिविंग टिश्यू आल्सो कंटेंड इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इफ थोड़ा सा रुक जाइए, पहले थोड़ा सा रिद्धि रुक जाएगी। आप अभी हम लोग पढ़े थे कि लिविंग टिश्यू में जो कार्बन कंपाउंड होता है, तो लिविंग टिश्यू में जो कार्बन कंपाउंड होता है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? अब यहाँ पर बात हो रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब कहता है कि लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होता है, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? यस सर। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो, देन गो फॉरवर्ड। अब आगे चलिए। हाँ चलिए आगे चलिए। यस सर। इफ दिस टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड ऑल द कार्बन कंपाउंड्स वी गेट ऑक्सीडाइज्ड विल गेट टू गैसियस फॉर्म। Example for yes, we'll get oxidized to carbon dioxide, CO2, which is carbon dioxide, water vapor, and are thus removed. The remaining is called H, which contains inorganic material elements like calcium, magnesium, etc. यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लिविंग टिश्यू में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कार्बन का कंपाउंड होता है, वो तो बायो मॉलिक्यूल्स कहलाता है, ठीक है? अब लिविंग टिश्यू में जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो होता है, यदि टिश्यू को पूरी तरह से जला दिया जाए तो जलाने से क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन आ जाता है और वो जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर वेपर ये सारा चीज़ जो है उससे होकर के रिमूव्ड हो जाता है या निकल जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग जो बचता है उसको अगर हम एस या अगर अपने भाषा में बोले तो राख जो है मिलता है, ठीक है? अब आप नेक्स्ट पॉइंट में आइए यहाँ पर। यस सर, वाटर इज द मोस्ट एब्यूडेंट केमिकल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अबाउट 70-90% ऑफ टोटल सेलुलर मास। तो दिस स्टेटमेंट क्लियर दैट, ये स्टेटमेंट क्लियर कर देता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि ऑर्गेनिज्म सजीव है, उसमें जान है, तो वहाँ पर 70-90% जो है क्या होता है, बोलिए, वाटर होता है, ठीक है? अगर हम लोग अपने बॉडी के बारे में कंसिडर करें तो हमारा बॉडी का 70-90% क्या है, वाटर है, ठीक है? वाटर, यस। अब फिर आगे चलिए। द बायो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद सिंपल स्ट्रक्चर एंड लार्ज माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। So it means that if we started to consider about the biomolecules according to their structure, अगर हम उसके structure के बारे में consider करें तो या तो complex structure होगा या फिर simple structure होगा। Simple structure it means that वो आपका denote या represent करेगा micro molecule को, ठीक है? लेकिन यदि complex structure की बात होने लगती है तो आपको डिनोट करेगा किसको? तो मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो इट मींस दैट अ स्मॉल, मैक्रो इट मींस दैट बिग लार्ज, थोड़ा सा बड़ा उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? यस सर। समझ गए? यस यस। चलिए ये तो आपका दिस स्टेटमेंट क्लियर दैट आपको पता चल गया कि बायो मॉलिक्यूल इट मींस दैट लिविंग टिश्यू होना चाहिए और लिविंग टिश्यू में जो और कार्बन का जो कंपाउंड होगा, ठीक है, वही कार्बन कंपाउंड जो है आपका बायो मॉलिक्यूल्स होगा। फिर बोलता है कि लिविंग टिश्यू में केवल कार्बन के कंपाउंड नहीं होते हैं, इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं,
यदि टिशू को हिंदी में टिशू को उत्तक बोला जाता है, यदि टिशू को पूरी तरह से जला दिया जाए तो उससे होकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, वाटर वेपर निकल जाता है, ये निकल जाते हैं। उसके बाद जो बाकी चीज़ जो बच जाता है उसको हम लोग राख बोलते हैं, विच कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जिसमें आपका इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया या तो कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, इस तरह से जो भी कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक का एलिमेंट है वो सारे चीज़ हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं इसके इस स्टेप पर, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अभी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, किसी का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है, किसी का स्ट्रक्चर क्या है, कम्प्लेक्स है। अगर कम्प्लेक्स है तो वो डिनोट करेगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अगर यदि सिंपल है तो करेगा डिनोट माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, हम अभी हम लोग ये बायो मॉलिक्यूल्स जो है टू पार्ट में आ गया। बायो मॉलिक्यूल्स कितने पार्ट में आ गया, दो पार्ट में, पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो, ठीक है। मैक्रो, यस। माइक्रो एंड मैक्रो, आप देखिए यही माइक्रो पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा रीड कीजिए। दिस आर विथ लो मॉलिक्यूलर वेट, highly soluble and have simple molecular conformation. तो यहाँ पर यदि हम देख लेते हैं तो half that there is no problem. Yes. These are with low molecular weight. ऐसे का जो होता है molecular weight क्या होता है? Molecular weight काफी कम होता है ना? Yes. और highly soluble and have simple molecular conformation. मतलब ये हाईली सॉल्युबल होता है, मैंने बहुत ज़्यादा घुल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके थर्ड, इसके सेकंड पॉइंट में आइए, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का सेकंड पॉइंट। दिस इंक्लूड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज वाटर मिनरल्स एंड गैसेस एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सुगर्स in either in monosaccharide form or in disaccharide form. Also it includes lipids, amino acids and nucleotides. अब यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो water these, ये सब है क्या, sugars क्या है, it is a kind of bio micro molecules. अगर इससे यदि नीट में यदि आपको question पूछ देता है कि भाई sugar का structure कैसा होगा, शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर सर सिंपल मॉलिक्यूलर होगा। हां ठीक है, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूलर सिंपल स्ट्रक्चर, इट मींस दैट टू टाइप्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर जैसे ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स यदि एक चीज पकड़ में आ जाता है कि मैं शुगर क्या है तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपल होगा, ठीक है। अगर आप लिपिड्स पर कंसीडर करते हैं, लिपिड्स पर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका भी सिंपल होगा। एमिनो एसिड्स का, उसका भी सिंपल होगा। और न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड का भी स्ट्रक्चर सिंपल होगा, ठीक है। काहे सिंपल होगा, इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड माइक्रो मॉलिक्यूल, या फिर हम केवल माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब शुगर का देखिए, यहाँ दो पार्ट है, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो मोनो इट मींस दैट क्या, मोनो सर मतलब ये सबसे छोटा यूनिट है हमारे शुगर का। मोनो एक काउंटिंग फिगर को डिनोट करता है वन, डाई भी एक काउंटिंग फिगर को डिनोट करता है टू। अब यहाँ देखिए, शुगर इज ए काइंड ऑफ क्या, यहाँ से रीड कीजिए क्या, शुगर इज ए काउंट सैकेराइड्स, ठीक है। तो ये कैसा सैकेराइड हो सकता है, शुगर आइदर मोनो होगा या फिर डाई होगा, नंबर ऑफ सैकेराइड्स कितना हो जाएगा, एक होगा या फिर दो होगा, ठीक है, दो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुगर, शुगर क्या हो सकता है,
शुगर चाहे तो मोनोसेक्राइड हो सकता है या फिर डाइसेक्राइड हो सकता है। ठीक है, अगर बोल दे कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स है क्या? Yes, it is a kind of sugar. Means, it is a kind of sugar. Sugar which has, अगर उसको थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं, और आगे चलते हैं according to this topic, तो it is a kind of micro molecules. फिर आगे चलते हैं जिसका structure कैसा हो जाएगा? सर इसका structure दो disaccharide का बना हुआ है। ठीक है, और ये क्या रखेगा, कौन सा चीज इंक्लूड करेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इंक्लूड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर, मिनरल एंड गैसेस एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपका डाइसेक्राइड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और वाटर, मिनरल एंड गैसेस जो होगा वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इट मीन्स दैट माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होगा? अगर माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, अगर ऐसे बोलते हैं कि अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स में मिनरल है, तो मिनरल किसको डिनोट करेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर बोलेगा कि नहीं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आपका शुगर है, ये किसको डिनोट करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम लोग फिर आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में, फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स वन। ये देखिए क्या है, व्हाट इज दिस, बोलिए। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है सर? सैकराइड। इट मीन्स दैट अभी मोनो और डाइसेक्राइड्स के बारे में स्टडी किए, अब फिर क्या आ गया? यस सर, सैकराइड्स आ गया। सैकराइड्स, इट मीन्स दैट क्या? कार्बोहाइड्रेट और मोनो और डाइसेक्राइड्स, इट मीन्स दैट क्या? शुगर। थोड़ा सा इसको रीड कीजिए। रीड दिस वन। यस सर, अबाउट 3% ऑफ द टोटल सेल कंटेंट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। This are biomolecules consisting of carbon, hydrogen and oxygen atom. यहाँ से अगर डिटेल्स करते हैं तो लगभग 3% जो है टोटल सेल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल आपका टिश्यू हो जाएगा। तो जितना सेल है कंटेंट मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सारा सेल जो है किससे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट से 3% होता है। ठीक है, और ये आपका दीज आर बायो मॉलिक्यूल्स है, और इसमें क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम होता है। कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए, रीड द नेक्स्ट पॉइंट। The carbon forms chains or rings with two or more hydroxyl group and an aldehyde or ketone group forming aldose or keto. They have a general formula CnH2n plus CnH2nOn. ठीक है, this is the general formula of what? They have a general formula. किनके पास general formula है? Aldoses और कीटोसेस। अल्डोसेस इट मीन्स दैट एल्डिहाइड, कीटोसेस इट मीन्स दैट कीटोन, सर कार्बोहाइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? उसी का जनरल फॉर्मूला है सी एन एच टू एन एंड एन। ओके, इट विल बी आइदर अल्डोसेस और कीटोसेस, कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, अभी तो सामने से आके देखेंगे अल्डोसेस और कीटोसेस, और अल्डोसेस और कीटोसेस इट मीन्स दैट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इट मीन्स दैट सैकराइड्स। ठीक है, और अबाउट 3% जो सेल आपका बना हुआ होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगर हम बॉडी के किसी भी सेल पर कंसिडर करें या टोटल सेल पर कंसिडर करें,
तो टोटल सेल का अगर 3% फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट देखिए अलग अलग टाइप का होता है। बोलिए ये क्या है, इसको रीड कीजिए सर। दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन में रीड किया हुआ है स्क्रीन में। यस सर, यस। हाँ पढ़िए, रीड कीजिए सर। दिस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा चलिए मोनोसैकेराइड्स पर कंसीडर करते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड सर, सर स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, और इसमें एक सैकेराइड प्रेजेंट होता है। आप पूरा कंसंट्रेट नहीं है स्टडी में। मोनोसैकेराइड्स अभी बोले कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर को, ठीक है अभी बोले ना, अभी तुरंत इसको डिस्कस किए ना। मोनोसैकेराइड्स किसको डिनोट या रिप्रेजेंट करता है, शुगर को। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स है। टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स में क्या क्या आ जाता है देखिए। यस सर, बोलिए सर। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। ठीक है, इन व्हिच डाइसैकेराइड में डाई मींस टू, सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज, मोनो मींस वन, ट्राई मींस थ्री एंड थ्री, टेट्रा मींस फोर और पॉली मींस मोर देन फोर। ठीक है, मोर देन फोर में चलेगा। यस, तो एक्चुअली में दीज आर द टाइप ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स था, ये पॉलीसैकेराइड्स का टाइप था ना कि ऑलिगोसैकेराइड्स का पार्ट था। ठीक है, तो डाइसैकेराइड में आपका क्या क्या आ गया, सुक्रोज माल्टोज। सर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड जो है वो ऑलिगोसैकेराइड का पार्ट है। नहीं, पॉली का है ना, देखिए पॉली का है ना, पॉली का पार्ट है। यस सर। ओके, किसका पार्ट है? दीज आर द क्लासिफिकेशन। पॉली का सर, पॉली सर, इफ इट दिस आर द पॉलीसैकेराइड देन सर पॉलीसैकेराइड मींस इट हैज मोर देन फोर यूनिट। नो, इट हैज मोर देन वन यूनिट। मोनो इट मींस दैट वन और पॉली मोर देन वन। ओके, अगर टू आ जाता है तो डाई, थ्री आया तो ट्राई और फोर आया तो टेट्रा। ठीक है, ओके। एंड सर ऑलिगोसैकेराइड मींस इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा रीड कीजिए। Reducing sugar poses free aldehyde or ketone group and can reduce cupric ion of Benedict's or filling solution to cuprous ion, for example lactose. ठीक है, यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर lactose है भी disaccharide में। Yes. अगर आप reduce करेंगे किसको? Yes. Sugar को। जैसे ही शुगर को आप रिड्यूस करेंगे तो कौन सा चीज से फ्री हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। और ये आपका रिड्यूस कन्वर्ट किस में हो जाएगा? क्यूप्रिक आयन। फिर क्यूप्रिक आयन किसका है? ऑफ बेनेडिक्ट और बेनेडिक्ट और फेलिंग्स सॉल्यूशन, मतलब बेनेडिक्ट और टू क्यूप्रस आयन। हेलिक सॉल्यूशन में ही आपका क्यूप्रिक आयंस मिलता है। ठीक है, यस। एग्जांपल पर, एग्जांपल के तौर पर क्या लगाया? लैक्टोज। ठीक है,
ओके एनी प्रॉब्लम? जब हम किसको रिड्यूस करेंगे, शुगर को रिड्यूस करेंगे तो हमको लैक्टोज मिलेगा। चलिए फिर नॉन रिड्यूसिंग, चलिए आगे चलिए सर। यहाँ पे जो ओलिगोसैकेराइड था, तो पॉलीसैकेराइड का मतलब अगर मोर देन वन यूनिट है तो उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कहेंगे, और अगर वन यूनिट है तो उसको मोनोसैकेराइड कहेंगे। तो सर यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड जो है वो, इसको बाद में स्टडी करेंगे। एक साइक्लिक जो होता है, एक साइक्लिक होता है, ठीक है। ये चेन जो है या तो स्ट्रेट बनता है या फिर क्या कहते हैं, साइक्लिक बनता है। तो वो आपका ये स्ट्रेट चेन है और वो जो है आपका सर्कुलर चेन है। तो उसके बारे में अभी आगे मिलेगा तो फिर वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को ये स्टडी कीजिए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर नॉट पोजेस फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड कैन नॉट रिड्यूस क्यूप्रिक आयंस और बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सॉल्यूशन टू क्यूप्रस आयंस, फॉर एग्जांपल सुक्रोज। आप देखिए सुक्रोज और लैक्टोज यहाँ पर देखिए डाइसैकेराइड्स में है। सुक्रोज और अभी लैक्टोज पर आप कंसीडर किए, जो शुगर आपका रिड्यूस करेगा, है ना। रिड्यूस जैसे ही करेगा तो एल्डिहाइड और कीटोन उस ग्रुप से निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन जो शुगर आपका रिड्यूस नहीं करेगा तो वहाँ पर आपको जो भी मिलेगा वो सुक्रोज होगा। ओके काफ़ी डिटेल्स स्टडी करना है, क्योंकि ये आपका नीट जो है बहुत छोटा एग्जाम नहीं है। ओके तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं लिपिड्स में। जब लिपिड्स में आते हैं तो अब तो क्लास 10 हम लोग रहते हैं, या बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब दिया जाता है तो ये बोला जाता है कि लिपिड है क्या, लिपिड है क्या, और पूरा ऑप्शन दिया हुआ रहता है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनने का रहता है। तो यहाँ देखिए लिपिड के बारे में पूरा डिटेल्स है, इसको थोड़ा सा रीड कीजिए। दिस आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल फ्रॉम 2% ऑफ द सेल कंटेंट। इम्पोर्टेंट लिपिड्स आर एज फॉलो। लिपिड्स आर ऑफ थ्री टाइप, सिंपल, कंपाउंड एंड डेराइव। इन सिंपल लिपिड न्यूट्रल और ट्रू फैट्स और वैक्सेस, एंड इन कंपाउंड लिपिड देयर इज फॉस्फोलिपिड, लाइपोलिपिड, लाइपो प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, एंड इन डेराइव्ड देयर इज टू यूनिट्स, दैट इज हार्ड फैट्स एंड अनदर वन इज ऑयल्स। तो रिद्धि लाइट हैज गॉन, अभी बिजली इधर चल गया, ठीक है। तो अब लगता है कि ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, वैसे मैं इस स्टडी मटेरियल को ग्रुप में शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल डायरेक्ट स्टूडेंट के हैंड में ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल तो मैं वहाँ ये नहीं करूँगा, शेयर नहीं करूँगा। ग्रुप में केवल मैं एनसीईआरटी का जो भी मटेरियल होगा उसी को शेयर करता हूँ। फिर भी अभी अब हम लोग इसको जो, हाँ बोलिए सर। एटलीस्ट सर इसको स्लाइड कर सकते हैं ताकि हम इसको स्लाइड नहीं कर सकते। अभी हम इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब में, ठीक है। तो आप 3-4 इसको देख लेंगे, ठीक है, और बाद में फिर इसका प्रिंट आउट आप हमसे ले लेंगे हार्ड कॉपी, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये यूट्यूब में अपलोड होगा आप वहां से इसको 3-4 देखेंगे, ठीक है। ओके तो क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। ये थैंक यू सर। इट्स ओके।